हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर टेक प्रोग्राम माइंड। आज की इस वीडियो में हम टेबल को डिस्क्राइब करना सीखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में टेबल को बनाना सीखा था, आज की वीडियो में टेबल को डिस्क्राइब करना सीखेंगे। ठीक है, क्लिक शो करते हैं। इट इज दिस इज यूज टू डिस्क्राइब योर टेबल, मतलब कि आपकी टेबल को डिस्क्राइब करता है। जो भी आपने टेबल बनाई है उसको टेबल को शो करता है। सेकेंड, डी इज दी ओनली डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, नॉट द इन्फॉर्मेशन रो इन साइड टेबल। मतलब कि ये टेबल का स्ट्रक्चर बताता है। आपने जो टेबल के अंदर डाटा डाला है वो नहीं बताएगा, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बताएगा। आपने किस क्या क्या यूज़ करा है, मतलब कॉलम का नेम बताएगा, रो का नेम बताएगा, सिर्फ ये बताएगा, उसके अंदर डेटा नहीं बताएगा। ठीक है, डी एस सी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द डिस्क्राइब, मतलब डी सी की शॉर्ट फॉर्म होती है डिस्क्राइब की। इसका डी सी की फुल फॉर्म होती है डिस्क्राइब। इसका देखिए सिंटेक्स, देखिए सिंटेक्स देखा है। डी सी लिखना है आपको, डी एस सी लिखना है, टेबल नेम देना है। टेबल नेम जो आपने टेबल को बनाया होगा, बनाते हुए दिया होगा, उसको टेबल नेम देना है। उसके बाद सेमी कॉलन लगाना है, सेमी कॉलन लगाना मत भूलिएगा। एग्जाम्पल डी सी माई टैब, लास्ट टाइम हमने जो टेबल क्रिएट करी थी उसका नाम माई टैब था। ठीक है, तो आपको डी एस सी लिखना है, उसके बाद माई टैब लिखना है। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए लास्ट टाइम हमने टेबल क्रिएट करा था, ये टेबल क्रिएट करा था, ये वो लास्ट टाइम वाला है जो टाइम में टेबल क्रिएट करा था। अब हमको क्या करना है, इसको शो करना है। ठीक है, तो शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कमांड टाइप करनी पड़ेगी। वो कमांड लिखना पड़ेगा हमें, डी ई एस सी लिखा, और टेबल का नाम क्या लिखा। टेबल का नाम देखिए माई टैब था, तो इसको लिखना है आपको माई स्मॉल लेटर में लिखिएगा, माई और टैब। माई टैब लिखने के बाद आपको हमें सेमी कॉलन लगाना है। देखिए सेमी कॉलन लगा लेना, बोलिएगा इस पर आपको सिंपली एंटर मारना है। देखिए एंटर मारने के बाद आपको देखिए दिखाई दे रहा होगा कि एक टेबल क्रिएट हो गई है यहाँ पर। ये देखिए टेबल क्रिएट हो गई है ये वाली। आप सिंपली आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पर फील्ड क्या है, फील्ड का मतलब कॉलम नेम में बताता हूँ। फील्ड कॉलम नेम होता है, टाइप हम पढ़ चुके हैं, डेटा टाइप कौन सा होता है, वेर का एंट्री पढ़ चुके हैं, नल ये कंस्टेंट होता है ये भी हमने पढ़ी नहीं है, की पढ़ी नहीं है, डिफॉल्ट ये भी हम पढ़ेंगे बाद में, एक्स्ट्रा ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसने क्या करा, वहाँ सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करा है इसने ये वाला। और हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर आया, इसमें टेबल का कोई कंटेंट नहीं आया, मतलब क्योंकि हमने टेबल में डाटा डाला नहीं है, डाटा शो नहीं कर रहा है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमने ये टेबल को स्ट्रक्चर किस तरह शो कर सकते हैं। लास्ट टाइम टेबल क्रिएट करना दिखा था, ये टेबल का क्रिएट करने का कंटेंट था ये वाला, इससे हमने टेबल को शो करा है इस वाली कंटेंट से। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।